हेलो दोस्तों, रनिश देसी सड़का में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, रनिश देसी सड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो श्रीखंड। गर्मी का सीज़न है, मैंगो का सीज़न है, तो फिर हमें श्रीखंड तो बनता ही है। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो श्रीखंड। तो अपन शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए बनाते हैं मैंगो श्रीखंड। मट्ठा भी हमारा रेडी हो चुका है और ये पल्प लिया है मैंने केसर आम का। आप कोई से भी आम का पल्प ले सकते हो। तो हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और हमारा श्रीखंड बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मट्ठे की रेसिपी मैंने पहले भी श्रीखंड डाला है तो उसमें बताया है कि मट्ठा कैसे बनाते हैं। फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ कि दही को बस एक कपड़े में बांध देना है, पूरी रात रखना है, तो आपका मट्ठा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा बना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पल्प मिक्स कर देंगे। देखिए इसमें हम पल्प मिक्स कर रहे हैं और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पूरा पल्प मिक्स कर लेंगे। फिर इसको सबसे ज़्यादा क्या है कि इसको है ना छानना पड़ता है। जब तक हम छानेंगे नहीं ना तब तक अपना श्रीखंड रेडी नहीं होता है। और अभी बाहर से खाना लाना बहुत ही टफ लग रहा है तो अपन घर पे ही बनाएंगे। इसको अच्छे से हिला लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करते हैं अपन। मैं पीसी हुई शक्कर डाल रही हूँ, आप चाहो तो पूरी भी ले सकते हो। मैं इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ क्योंकि आम तो वैसे भी मीठा ही होता है। तो हम इसको अब अच्छे से हिला लेंगे, अच्छा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसको छानेंगे। देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें ना थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से एक बाउल लेके इसमें चलनी लेकर इसमें छान लेंगे इस तरह से। तो पहले वाला जो वीडियो आपने देखा होगा मेरा श्रीखंड का, सेम वही प्रोसेस है। बस इसको अच्छे से छान लेना है क्योंकि जब तक छानेंगे नहीं ना तब तक चिकनासपन नहीं आएगी। तो छानने वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम अच्छे से छान लेते हैं। देखिए हमने इसको छान लिया है और अब इसको हमें ना इस तरह से थोड़ा सा और हिला लेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको फ्लफ़ी कर लेते हैं। हमारा श्रीखंड रेडी हो चुका है। अब इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं और इसको गार्निश करेंगे। हमने इसे कटोरी में निकाल लिया है, अब इसको हम गार्निश करते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल है, आपको पसंद आए तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं क्योंकि ये तो मैंगो आइसक्रीम है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ज़रूरी नहीं है। देखिए हमारे श्रीखंड बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रेसिपी पे।